कांग्रेस को मिली प्रियंका, क्या बजेगा कांग्रेस में डंका, यही जानने के लिए आज हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। और मेरे साथ हैं डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्र प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और राजीव त्यागी जी, राष्ट्र प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। पहले तो डॉक्टर संबित पात्रा जी से पूछे कि सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप लोग डर गए प्रियंका के नाम से। प्रियंका गांधी औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई, आप लोगों के हाथ पांव फूल गए। अंजना जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ, बारिश भी होने वाली है, बादल भी हो रखे हैं, बिजली भी कौंध रही है, कुछ तो कमी है जो बारिश हो नहीं रही थी। आप ही बताइए कांग्रेस में ऐसी क्या कमी थी जो राहुल गांधी पूरा नहीं कर पा रहे थे। और देखिए, प्रियंका जी आई, अच्छी बात है, हम स्वागत भी करते हैं और बधाई भी देते हैं, उनका व्यक्तिगत विषय है, मगर ऐसी क्या कमी थी जो राहुल जी फुलफिल नहीं कर पा रहे थे और कांग्रेस के अंदर खुशी की बारिश हो उसके लिए प्रियंका गांधी को लाना पड़ा, ये सवाल में जवाब। कौन सी कमी है जो राहुल पूरी नहीं कर पा रहे थे कि प्रियंका की जरूरत आन पड़ी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का अगर इतिहास देखेंगे आप, पंडित नेहरू के साथ इंदिरा जी काम करती थी, इंदिरा जी के साथ पहले संजय जी काम करते थे, उनके निधन के बाद आप देखेंगे राजीव जी ने काम किया, और राजीव जी के निधन के बाद जब सोनिया जी आई तो राहुल जी ने काम किया। अब राहुल जी के साथ प्रियंका जी काम करेंगी, दोनों भाई बहन निकलेंगे और निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश में एक बेहतर व्यवस्था करेंगे, बेहतर एक इतिहास लिखने का काम करेंगे, और कल का दिन ऐतिहासिक था कांग्रेस के लिए। और हम स्वागत करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं राहुल गांधी जी का कि उन्होंने प्रियंका जी को देश के लिए दिया, उत्तर प्रदेश के लिए दिया और कांग्रेस के लिए दिया। सवाल ही नहीं सुना सर आपने, जो सोच के आए थे कि आज तो यही बोलना है वही बोल के बस निकल लिए। अरे सुनिए सर, सुनिए सुनिए सुनिए, सवाल ये था कि राहुल में ऐसी क्या कमी थी कि प्रियंका को लाना पड़ा, इसका जवाब दीजिए ना। जितने भी यहाँ व्यक्ति खड़े हैं, एक परिवार के रूप में कांग्रेस है, उस परिवार में यदि भाई बहन काम करते हैं तो बेहतर काम होगा। मैंने बताया ना, देखिए सवाल मैंने बहुत बेहतर तरीके सुना और जवाब भी बेहतर दिया। मैंने कहा ना, पंडित नेहरू के साथ इंदिरा जी काम करती थी, और देखिए सुनिए, कुल मिलाकर के कोई किसी में कमी नहीं होती है, और निश्चित रूप से एक संयुक्त प्रयास राजनीति में किया जाता है। संयुक्त प्रयास से आपको क्या दिक्कत है? मुझे तो आपके पास भी तो जोड़ी है अमित शाह और बीजेपी नरेंद्र मोदी की, संयुक्त प्रयास होना चाहिए। हाँ। मगर मुझे मेरे भाई राजीव त्यागी जी के उत्तर में ही उत्तर मिल गया। अब देखिए, उन्होंने कहा पंडित नेहरू जी के साथ इंदिरा जी काम करती थी, इंदिरा जी के साथ राजीव जी काम करते थे, राजीव जी के साथ सोनिया जी काम करती थी, सोनिया जी के साथ राहुल जी काम करते थे, अब राहुल जी के साथ उनकी बहन काम करेगी। हमारे देश का झंडा लिया हुआ है मेरे भाई ने, मेरे देश केवल एक परिवार का नहीं, मेरा देश ये है। इनमें से कोई काम करता ना, इनमें से कोई काम करता अगर राहुल जी के साथ, तो मैं कहता ये देश को परिवार मानते हैं। आज मैं कहूंगा केवल परिवार को परिवार मानते हैं, देश को परिवार नहीं। ये देखिए, कुल मिलाकर के संबित भाई ने जो कहा, नॉट प्लेस में ताली बजे बोलना, किस किस को हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, आप लोग बोलेगा आ रही। बड़ा अच्छा लगा मुझे, संबित भाई ने पूरा नेहरू जी से लेकर के प्रियंका जी का नाम लिया, बड़ा अच्छा लगा। और यही कांग्रेस है, कांग्रेस अपने विरोधियों को भी आज सवाल है कि एक ही परिवार, इतने तो गैर गांधी परिवार के भी लोग प्रधानमंत्री बने, नरसिम्हा राव का नाम क्यों भूल जाते हैं सर? अभी प्रियंका गांधी और गांधी परिवार की बात हो रही है, और निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, देखिए गांधी परिवार ने अपने खून से देश को सींचा, इस तिरंगे को सींचने का काम किया, हमें गर्व है गांधी परिवार पर, और गांधी परिवार न्यूक्लियस है देश का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। दूसरी बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, कि परिवार को या किसी को भी वंजना जी, जनता चुनती है, जिस जनता ने चुना संबित भाई उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, क्या इंदिरा जी को जनता ने नहीं चुना, क्या राजीव जी को जनता ने नहीं चुना, क्या राहुल गांधी को जनता ने नहीं चुना? जनता जिसको चुनेगी वही आगे बढ़ेगा, जनता जिसके साथ होगी वही उसके साथ होगा। कनॉट प्लेस में अचानक हम इस शो को करने के लिए आए हैं, पहले से कोई तैयारी नहीं थी, हमने सोचा अचानक लोगों के बीच पहुंचे ताकि नब्ज तो समझ पाए। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक ये कहा गया कि उनकी क्या गलती है, जो वो एक उनकी गलती नहीं है, यही तो एक अच्छाई है। अगर अगर सरनेम में से वाड्रा हटा दिया जाए फिर क्या होगा, फिर वो ऐसे ही होंगी जैसे हम सब खड़े हैं। देखिए, संबित भाई और भारतीय जनता पार्टी एक शैली है कि वो ईश्वर के काम में भी हस्तक्षेप करना चाहते हैं, कौन कहाँ जन्म लेगा कैसा होगा ये ईश्वर का अधिकार है, भारतीय जनता पार्टी का अधिकार नहीं, पहली बात। दूसरी बात कहना चाहता हूँ, हाँ, इस देश के किसानों ने झंडे को सींचा है, इस देश के जवानों ने झंडे को सींचा है, इन्हीं के डायलॉग चुरा रहे हैं, देश के व्यापारियों ने झंडे को सींचा है, लेकिन 4.5 साल में किसानों को आंसू पर रुलाने वाले भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, नौजवानों को रोजगार न देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी सरकार ने जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, मोदी सरकार ने जिस तरह से महंगाई बढ़ाई, वो चिंता का विषय है। ये गरीब लोग बाग जितने भी खड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि हम आएंगे, हम व्यवस्था बेहतर लेके आएंगे, किसानों के लिए काम करेंगे, नौजवानों के लिए काम करेंगे। देखिए जहां तक संबित जी,
जरा दिखाएं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताएं, हमने ये कार्यक्रम पहले से तैयार नहीं किया था ना जगह तय की थी, अचानक हम आए हैं, अचानक शो कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जब कार्यक्रम पहले से तय हो तो मतलब ऐसे लोग पहुंच जाते हैं जो अपने पार्टी की राय रखना चाहते हैं। हम कनॉट प्लेस के दिल में अचानक इसीलिए पहुंचे ताकि असल नब्ज जो देश की है, जनता क्या सोचती है, वो हम उनसे पूछ सके। अब देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, राजीव भाई ने कहा कि प्रियंका जी हो चाहे राहुल जी हो, ये गरीबों की नब्ज को पहचानते हैं। किसी भाई ने अभी कहा था, मैंने सुना था, रेंज रोवर में रह के ये गरीबों की नब्ज को पहचानते हैं। गरीबों की नब्ज को कैसे पहचाना जाता है, ये एक चाय वाले से पूछा जाए। इसी सीपी में अनेक चाय वाले बैठे हुए हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, किसानों को 4 साल में, इन्होंने कहा किसानों के लिए किसानों ने खून से सींचा है, मैं बोलता हूं क्या किसानों को 4 साल में बर्बाद कर दिया गया? क्या किसानों की परिस्थिति, देश की परिस्थिति आप बताइए, 70 साल तक सत्ता में रहने के पश्चात आज आपको प्रियंका जी को लाना पड़ रहा, अच्छी बात है प्रियंका जी आए, इतना बताइए क्या कमी थी जो प्रियंका जी को लाया गया? कल से ये कह रहे हैं कि वो ब्रह्मास्त्र है, तो राहुल जी कौन से अस्त्र थे? अगर प्रियंका जी ब्रह्मास्त्र हैं तो राहुल जी क्या हैं? देखिए, मेरे मित्र बौखला गए हैं और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी पे, प्रियंका गांधी जी पे व्यक्तिगत प्रहार कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, 14 साल में देखिए, राहुल हो रहा है ना। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, 14 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में इन्वेस्टमेंट नहीं है। 22 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि किसान की आमदनी बढ़ने का काम दे रही, किसान की आमदनी घटने का काम हुआ। और देश में जिस तरह से बेरोजगारी का आलम है, CMI के लेटेस्ट आंकड़े हैं कि सरकार ने बेरोजगार कर दिया 1,10,00,000 नौजवानों को 2018 में। और नौजवानों से कहा जाता है पकौड़ा तलिए, क्या नौजवान पकौड़ा तलेंगे? कोई नौजवान पकौड़ा तलना चाहता है?